यूं तो ज्यादातर लोग रविवार को छुट्टी के दिन घर पर बैठकर या फिर घूम फिर कर दिन गुजारते हैं। वहीं इस रविवार को जयपुराइट्स अपने घर से तो बाहर निकले, लेकिन एक नेक मकसद और मिशन का संकल्प लेने के लिए। अवसर था एड एट एक्शन साउथ एशिया की जयपुर इकाई की ओर से आयोजित चैरिटी दौड़ रन फॉर इंक्लूजन का। इस खास दौड़ में शामिल होने के लिए हर वर्ग और हर उम्र के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कपकपी छुड़ाने वाली सर्द हवाएं और हार्ड कपकपाता मौसम, बावजूद इसके लोगों के जोश, उत्साह और जज्बे के आगे जैसे सब गौण बन गए। ये मौका राजधानी में एक खास मकसद के लिए एकजुट हुए हर वर्ग के लोगों का था। दरअसल एड एट एक्शन साउथ एशिया की जयपुर इकाई की ओर से झालाना के आरटीओ तिराहे पर चैरिटी दौड़ रन फॉर इंक्लूजन का आयोजन किया गया। शहर भर से विभिन्न वर्गों के लोगों ने बढ़ चढ़कर इस दौड़ का हिस्सा बनने के लिए शिरकत की। इन सभी का जोश और उत्साह जैसे देखते ही बन रहा था। प्रतिभागियों की हौसला अफजाई के लिए जाने माने चेहरे भी यहां मौजूद रहे। इनमें मेयर ज्योति खंडेलवाल और डीसीपी ईस्ट अमनदीप सिंह के अलावा ओलंपियन गोपाल सैनी, अंतर्राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियन सुरभि मिश्रा और बॉलीवुड सिंगर रविंद्र उपाध्याय शामिल रहे। इन सभी ने मिलकर जैसे ही दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, वैसे ही प्रतिभागी अपनी मंजिल की ओर दौड़ पड़े। 5 किलोमीटर की इस दौड़ में न सिर्फ युवाओं का जोश देखते बनता था, बल्कि स्कूली बच्चों ने भी इसमें अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। मेयर ज्योति खंडेलवाल और डीसीपी ईस्ट अमनदीप सिंह ने इस खास मकसद से आयोजित की गई इस दौड़ की सराहना की। मैं तो जयपुराइट्स को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि कोई भी अच्छा कॉज हो, जयपुराइट्स हमेशा इतने उत्साह से, उल्लास से जो है अपना पार्टिसिपेशन दिखाते हैं, अपना डेडिकेशन दिखाते हैं, उनमें एक उत्साह और उल्लास नज़र आता है। और आज यही उत्साह रन फॉर इंक्लूजन के लिए भी नज़र आया। खुशी है कि ये देश के 50 बड़े शहरों में आयोजित की जा रही है और इसका मैसेज यूथ के माध्यम से डेफिनेटली लंबे समय तक ज़्यादा लोगों तक बहुत अफेक्टिवली पहुँचेगा, जिसका फ़ायदा पूरे देश को होगा। जोश बिल्कुल इन्फेक्शियस था, यहाँ का लोगों को हमने आके देखा और बिल्कुल उस जोश से छुए बिना नहीं रह गया। इनका थीम बहुत अच्छा है, रन फॉर इंक्लूजन, इंक्लूजन सब तबका, हर वर्ग, मेन स्ट्रीम से अंदर जो और बाहर दोनों जो हैं उनको इंक्लूड करके चलना, ये इसके लिए थीम कॉम्प्लीमेंट करने योग्य है। और मैं अपने व्यक्तिगत एवं पुलिस के डिपार्टमेंट की ओर से भी इनको हम सहयोग प्रदान करते रहेंगे। ऐसे इवेंट्स जयपुर में होते रहें और सोसाइटी के लिए तबके ऐसे जो हैं जिनको जरूरत है नीड की, उनके लिए सब सोसाइटी इकट्ठी होती रहे, ये हमारा ध्येय रहना चाहिए। दरअसल साल 2013 के सबसे बड़े कार्यक्रम के तौर पर आयोजित किए जा रहे इस दौड़ का मुख्य उद्देश्य समाज की मुख्य धारा से वंचित समुदायों को गरिमा और सम्मान के साथ उन्हें शिक्षा और रोजगार के अवसर प्रदान करने का मौका देने का संदेश आम जन तक पहुंचाने का था। इस दौड़ में शामिल होने वाले प्रतिभागियों में युवाओं के अलावा विभिन्न कॉरपोरेट कंपनियों के प्रतिनिधि, अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवकों, स्काउट्स और गाइड समूहों के छात्र और खिलाड़ी भी शामिल हुए। दौड़ की अगुवाई स्केटिंग समूह के उन बच्चों ने की जो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का कीर्तिमान अपने नाम कर चुके हैं। रन फॉर इंक्लूजन की इस दौड़ में बतौर अतिथि शामिल हुए स्पोर्ट्स पर्सन गोपाल सैनी और सुरभि मिश्रा ने भी कहा कि वंचित रहे तबके को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए दौड़ के जरिए संदेश देने का ये मकसद वाकई सराहनीय है। यूथ आजकल जो दूसरे महीनों से मैं देख रहा हूँ कि यूथ जो अच्छे कॉज के लिए आगे आ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है कि जैसे यूथ ऐसे कॉज के लिए, चाहे वो रन फॉर मैराथन हो, रन फॉर स्ट्रॉन्ग इंडिया हो, तो जैसे ये अब ये इंक्लूजन के लिए ये हो रहा है, तो इसी ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो आज आयोजन किया जा रहा है ये मन बुद्धि बच्चों के लिए नहीं है, ये जो भी अपेक्षित वर्ग है इसको आगे लाने के लिए, सोसाइटी उनके बारे में बताने के लिए जो किया जा रहा है, ये एक अच्छी शुरुआत है। और मैं चाहता हूँ कि इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए, जैसे कि यूथ इधर उधर भटकने की बजाय ऐसे अच्छे कॉज में उनके मन में एक इच्छा जागृत हो और हमारे देश के लिए, देश निर्माण में और समाज निर्माण में वो आगे। जी ऐसे तरीके के जो इवेंट्स आजकल जयपुर में हो रहे हैं, बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है टू प्रमोट और स्पेशली ये टू एजुकेट एवरीबॉडी। कोई अलग नहीं है, सब पढ़ने, सबको पढ़ने का एक हक है, जैसे हमारे राइट टू एजुकेशन है, सबको पढ़ने का, सब
तरह के सब तबके के लोगों को, तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। स्पेशली जो हमारी यंगर जनरेशन आ रही है उनको ये समझाना कि हम सब बराबर हैं, हम कोई अलग नहीं है, ना कास्ट, ना क्रीड, ना कलर, ना रिलीजन। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि पैसे से ऊपर नीचे नहीं है, तो एक बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है जो ये लोग कर रहे हैं। एंड आई होप इससे काफ़ी फ़र्क पड़े, इस बार अगर 1000 आए तो अगली बार इस रन में 2000 आदमी आए, तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। आई विश अबेद द बेस्ट टू फॉर द फ्यूचर। दौड़ के खत्म होने के बाद माहौल में रंग जमाया पिंक सिटी का नाम रोशन करने वाले युवा बॉलीवुड सिंगर रविंद्र उपाध्याय ने। खास मकसद से आयोजित की गई चैरिटी दौड़ रन फॉर इंक्लूजन सिर्फ राजधानी जयपुर में ही नहीं बल्कि भारत, श्रीलंका और नेपाल के 50 से भी ज्यादा शहरों पर आयोजित की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज़।